फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रीति मिस्ट्रेस लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मैंने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत की है आफ्टरनून से। सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई और नहा भी लिए हैं, और बस अब दोपहर का लंच वगैरह की तैयारी करनी है मुझे। तो बस मैं थोड़ा सा ड्रेसअप हुई थी, मैंने सोचा चलो वीडियो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं कल भी काम नहीं कर पाई थी क्योंकि कल घर पे ही थी गुड़िया, तो उस वजह से बस पूरे दिन कहीं जाने का था ही नहीं, तो बस मैंने काम भी नहीं किया। बहुत ज़्यादा बाल मेरे इलच गए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले अब मैं काम भी कर लूँ, उसके बाद ही अपना काम शुरू करूँगी। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर जो वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो बाबू को भी करनी है आपसे बातें। और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस यहाँ पे मैं अपने हेयर पिनअप कर रही थी क्योंकि किचन में मुझे काम करना था, और मैं खुले बालों से किचन में नहीं जाती हूँ, पिनअप करके ही जाती हूँ। देखिए मैंने ये ली है कारपेट, और बेटा आगे साटो। कारपेट ली है जो मैंने कल के ब्लॉग में कपड़े निकाले थे ना, जो वेस्ट कपड़े थे, रिटायर कपड़े थे, तो मैंने उसी की ये ली है। और मतलब थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं, पूरी उसी की तो नहीं आती, ऐसे जैसे जो 350 रुपये की चीज़ है तो वो हो जाएगी 300 रुपये की, और अगर जो मतलब 300 रुपये की चीज़ है वो 250 रुपये में पड़ जाएगी आपको। तो मैंने पहले भी कारपेट ये ली थी यहीं से ही, कपड़े देके कारपेट ली थी मैंने, थोड़े से 50 रुपीज़ कम हो जाते हैं बस। और जो मतलब कम होने का इतना नहीं है, जो घर का वेस्टेज है पता है, अगर जो पुराने कपड़े निकलते तो न्यू रखने की जगह नहीं मिलती, तो इस वजह से मैंने पहले भी ली थी। और ये पता है ऑनलाइन मैंने सर्च की थी 600-500 रुपये की थी, और कपड़ा भी सेम है डिज़ाइन। तो यहाँ पे साड़ियाँ रखी हुई थी, उनको मुझे अच्छे से हैंगर में करके रखना था। दो दिन पहले मैंने साड़ी धोई थी, तो बस वही 3-4 साड़ीज़ हैं जो मुझे रखनी थी हैंगर्स में, सूख गई थी, मैंने तय बना के ऐसे रख दी थी। बस ये होता है ना कि एक के बाद एक काम बढ़ता ही चला जाता है, इस वजह से। तो अब मैंने पहले ऊपर रख दी थी फोल्ड करके, फिर उसके बाद अब मैंने नीचे ला के रखी, दो दिन तो ये ऊपर ही रखी रही। तो बस इस वजह से अब मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, इनको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे होते ना इधर उधर खेलते खेलते फिर कपड़े गिरा देते हैं, और धुले हुए कपड़े हैं फिर से गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले मैं ये साड़ी रख दूँगी और रूम एक सा करके फिर जाऊँगी मैं किचन में काम करने के लिए। आज मैं सोच रही हूँ खीर बना लूँ, क्योंकि दूध रखा हुआ है काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा खीर बना लेती हूँ। कभी दलिया बना लेती हूँ, कभी खीर बना लेती हूँ, तो इसी तरीके से कर लेती हूँ। क्योंकि दही ज़्यादातर मतलब ले ही आते हैं शाम को, क्योंकि घर में जमाने से ना बहुत ज़्यादा खट्टी सी हो जाती है, इस वजह से। सारे कलर्स वगैरह कर रही थी गुड़िया, तो सारे फैला दिए। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो बस यही रहता है, और अगर जो स्कूल चली जाती है तो फिर साफ़ पड़ा रहता है बिल्कुल। तो इसको कलर करने थे, इसने कलर किए तो नहीं, लेकिन सारे में इसने फैला दिए, और ये तो फैला के छोड़ देती है, मुझे फिर ढूंढ के रखने पड़ते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम अगर जो चाहिए तो फिर चाहिए ही हैं और मुझे ही देने पड़ेंगे ढूंढ के। तो इस वजह से मैं सबसे पहले इसके कलर्स रखे मैंने, और सारे में जो फैला रखा है उसको मैंने साफ़ किया। टेबल पे भी इसने दूध गिरा रखा है, बिस्किट गिरा रखे हैं, तो बस मुझे वो टेबल भी साफ़ करना है। कुछ बेड में रखने की चीज़ें हैं वो बेड में रख दूँगी, कारपेट ली थी तो बस इसको मैं बेड में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो इसको यूज़ मतलब यूज़ नहीं करना मुझे, जब यूज़ करना होगा तो कर लूँगी। सर्दियों में मैंने इसको यूज़ किया था, और एक रखी हुई है ऊपर, और जब इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकालूंगी, इस वजह से मैंने इसको सेफली रख दिया है बैग में। और बस टेबल पे भी छोटे छोटे किंडर जो एक एक खिलौने होते ना वो फैला देती, खेलती नहीं है, और बस सारे में फैला के रखती है। तो यहाँ पर इसने दूध भी खेल दिया था, वो सूख भी गया, तो इस वजह से मुझे साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, और अच्छा नहीं लगता, टेबल गंदी रहती है, कोई आता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम उसको ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि बच्चों ने किया है, अब बच्चे करें चाहे कोई भी करे, साफ़ तो हमें करना पड़ता है। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में, मैंने दूध भी नहीं गर्म किया था, तो अब मैं सोच रही थी मैं दूध भी गर्म कर दूँगी। किचन को एक सा कर रही थी, सारी बॉटल्स वगैरह फैली पड़ी थी, क्योंकि ऊपर से कुछ बॉटल्स लाई थी सुबह नाश्ते के बाद, मैं नहीं आई थी किचन में,
और मुझे अभी देनी है गुड़िया को दवाई भी, क्योंकि उसकी दवाई का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले बस मैं किचन साफ़ कर लूँगी, पर किचन में आने के बाद मुझे गैस साफ़ करनी करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी गंदी रहती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं किचन में घुसते सबसे पहले गैस और स्लेब पे ही कपड़ा मारती, फिर उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे जब भी कोई वो होता है तो मैं करके ही निकलती हूँ, मतलब खाना वाना बनाती हूँ, कुछ भी बनाऊँ, कुछ गिर जाए तो करके ही निकलती हूँ। आज फ्रिज में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे तो मैंने सोचा कि आज उनको भी निकाल के साफ़ करूँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है ना, कि मतलब ये सब्ज़ी बच गई, ये रख दी और फिर अगले दिन खाई नहीं जाती और एकदम से फेंकी भी नहीं जाती। तो बस वही मुझे कटोरी वगैरह खाली करनी थी और फेंक दिया था मैंने। देखो मेरे पीछे पीछे अब आ गई है यहाँ पे फैलाने के लिए। बच्चों को बस वो चाहिए सामान, कुछ भी ड्रॉर लेके लग जाती है, सारी स्पून्स वगैरह फैला देती है। और मैं इसे कह रही थी बाबू आपको कोई काम नहीं है, इसको मैं बिठा के किसी चीज़ में आऊँगी तब ये देखती रहेगी। तो बस मैं एक तरफ तो दूध रख दूँगी और मुझे खीर बनानी है, तो मैं एक तरफ खीर के लिए दूध रख दूँगी। और मैंने जो दूध बचा हुआ है इसकी मलाई भी नहीं निकाली है, तो मुझे मलाई भी निकालनी है। फ्रिज मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस जमी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम फ्रिज में कोई दिक्कत आ गई थी ना, तो उसने बोला था कि अगर जो आइस जम जाए तो ज़्यादा आइस जमे तो बीच बीच में इसको बंद करते रहा करो। तो इस तरीके से जो फ्रिज होता है वो अच्छे से वर्क करता है डिफ्रोस्ट करने की जगह। तो बस मैंने मलाई निकाल दी थी जिस बर्तन में मलाई निकाल के रखती हूँ, और गैस पे दूध मैंने चढ़ा भी दिया था एक तरफ, एक किलो से थोड़ा सा कम दूध था जो चाय वाय के लिए और दूध वगैरह बाबू को देती हूँ तो उसके लिए मैं उबाल के रख दूँगी, और बाकी खीर के लिए चढ़ा दूँगी, वो अच्छे से पकता रहेगा। चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे। और अब मैं गुड़िया को दवाई देने के लिए आ गई थी दोपहर की, बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उल्टी भी कर देती है, दवाई नहीं इससे बिल्कुल भी ली जाती, बस बहला के नोज़ी पकड़ के इसे दवाई देने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए कितने नखरे कर रही थी बिल्कुल, मैं तो नहीं, ये शुरू से ही इसका ये है, बहुत छोटी थी तभी से दवाई नहीं ले पाती, वॉमिट कर देती है ये। तो बस मैं आ गई थी वापस से किचन में, कुछ बर्तन है वो भी साफ़ करूँगी, और कुछ इसकी दवाई की बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने वो फेंक दी थी। तो बस अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, जब मतलब फ्रिज में से चीज़ें खाली की जाती हैं तो बर्तन काफ़ी सारे फिर हो ही जाते हैं। तो बस बर्तन साफ़ मेरे हो रहे थे, बीच बीच में कुछ काम मिल जाता तो फिर वो करने लगती हूँ। तो मुझे दूध चलाना था, मैंने सोचा कभी एक तरफ मैं काम घटा रही हूँ और दूसरी तरफ बढ़ जाए। मेरे साथ ऐसा मोस्टली होता है कि मतलब दूध तो निकलता ही निकलता है, तो इस वजह से मैंने सिम कर दिया था और उसके अंदर एक डाल दिया था मैंने चमचा, ताकि ये निकले ना, इस तरीके से थोड़ा सा निकलने की संभावना कम होती है, और बॉयल आ गया था इस वजह से मैंने कर दिया था उसे सिम। तो वापस से मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, और काफ़ी सारे ना खरबूजे के बीज भी इकट्ठे हो रहे हैं तो आज मुझे वो भी साफ़ करने हैं। तो मैं भिगो के रख देती हूँ उन्हें खरबूजे के बीज को, ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर जो हम जैसे खरबूजा हमने कट किया और तुरंत ही धोने लगते हैं ना, तो बिल्कुल भी वो वॉश नहीं होते। अगर जो उन्हें हम एक से दो दिन के लिए छोड़ देते हैं तो वो इजीली वॉश हो जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो बस ये मैंने छोटी सी कटोरी में भिगोए थे चावल, उनको भी वॉश कर लूँगी। वैसे तो मैंने वॉश कर दिए थे, एक दो बार और पानी निकाल लूँगी। पता है सुबह की क्लीनिंग के बावजूद भी पूरा दिन इतना काम बच जाता है, अगर जो चाहे तो लेडीज़ पूरे दिन घर में काम कर सकती है। वो तो थोड़ा बहुत आराम के लिए समय निकालना पड़ता है, नहीं तो पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाए काम करने के लिए। तो बस मैंने धो के रख दिया था, और ये कढ़ाई में रखा हुआ था मैंने, मतलब बीज काफ़ी सारे हो गए थे, और मेरी जो पता है स्टील वाली स्ट्रेनर है ना वो ख़राब हो गई है, तो मुझे दूसरी लानी है। और जब भी मार्केट में जाती ना, और मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे क्या छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे लानी है, क्योंकि डेली तो मार्केट जाया नहीं जाता, तो फिर बस भूल जाती हूँ। तो बस मैं छोटी सी, मेरे पास ये प्लास्टिक की है, इसी में ही मैंने साफ किया है, साफ किए थे खरबूजे के बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। मैं जब पूरे खरबूजे ख़त्म हो जाते हैं ना, उतने में इनको भीगने देती हूँ, तो फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसमें मतलब ज़्यादा मेहनत करने की कोई मतलब, वॉश करके रख दिए हैं क्योंकि ना सूख जाएंगी, फिर ऐसे कट करो ना इनको तो वो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट सी हो जाती है। और देखिए मेरा दूध भी अच्छे से कड़ गया है, और मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी, ये रहे चावल, थोड़े से चावल हैं, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। 2.5 किलो दूध था तो मैंने 2.5 किलो दूध में से 1 किलो तो बॉयल होने के लिए रख दिया, और बाकी का मैंने 1.5 किलो इसमें डाल दिया है, क्योंकि दही तो पता है मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ,
कभी जमा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी सी हो जाती है इस वजह से। अभी करते ही रहेगी, एक एक से डेढ़ घंटा इसको लगेगा, सिम पे ही अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए फाइनली खीर मेरी बहुत ज़्यादा पक के तैयार हो गई है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं थोड़े से ताकि सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि बाबू भी खाती है थोड़ी बहुत तो उसको फिर टाइट लगते हैं, तो इस वजह से मैं बनने में ही डाल देती हूँ। तो चीनी भी मैंने मिला दी है इसके अंदर और खीर मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। चीनी डाली है तो इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। और बस मैंने एक तरफ तवा चढ़ा दिया था क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, 2:45 हो गए थे, तो लंच करना था। लंच के लिए मैंने पराठे बनाए थे 2, एक अपने लिए और एक छोटा सा बाबू के लिए। तो आलू का पराठा है ये, तो बस मैं बना लूँगी अपने दोनों के लिए। दही से हम खा लेंगे, बाबू तो दही खाएगी नहीं, मट्ठा वो ले लेते, दही उसे वैसे भी नहीं पसंद, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी तो उसको मैं मट्ठा भी नहीं दूंगी। देखूंगी उसको, थोड़ा सा दूध गर्म कर दूंगी या थोड़ा सा अदरक लगा दूंगी तो ले लेगी वो, नहीं तो ऐसे खाएगी तो ऐसे ही खा लेगी, क्योंकि जुकाम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं और काम तो बस पूरे दिन चलता ही रहता है, बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं होता। अगर जो इंसान चाहे तो पूरे दिन भी काम कर सकता है। और आज तो पता है दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं है बाबू की बिल्कुल भी। मतलब परसों से, उसे जब मैं परसों स्कूल से लेकर आई थी उसके बाद से ही बहुत ही ज़्यादा ऐसे वीक वीक सी फील हो रही थी कि मतलब उठ ही नहीं रही थी, बिल्कुल मन कर रहा था उसका लेटने का। तो ये कहती थी मम्मा बस नींद आ रही है, तो बस सुबह से उसको, सुबह से क्या, मैंने मतलब कल सुबह से ही उसकी दवाई स्टार्ट कर दी। एक डोज मैंने उसे रात भी दे दी थी, नहीं तो उसको फीवर पक्का चढ़ जाता। मुझे जब भी ऐसा लगता ना कि उसकी मतलब तबीयत सी ख़राब होने वाली है तो मैं उसको तुरंत ही दे देती हूँ दवाई, ताकि और मतलब आगे दिक्कत ना हो। तो बस अब शाम के काम की तैयारी करूँगी और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से ब्लॉग का एंड में यही करूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ज़रा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो भी न्यू हो तो मेरे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।